उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिव परिवार स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रथम नवरात्रि के अवसर पर 26 निराश्रित कन्याओं का पूजन किया, साथ ही 25 दृष्टि दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर उपहार भेंट किए। इस दौरान NIVH देहरादून के दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजभवन के शिवालय में शिव परिवार को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए शांति, समृद्धि और विकास के लिए कामना करना है। उत्तराखंड से रेसिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट।